पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। ये हिंदू कवादी सरकार, हिंदू बदनाम होता है, वो बिल्कुल बेशरम आदमी है। महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की पूरी साजिश रची जा रही है, मुंबरा के हिंदू मुसलमान दोनों की उत्तर प्रदेश सरकार ने माफी मांगी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुंबरा की विधायक जितेंद्र वाड एक बार फिर गाजियाबाद पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ठाणे पुलिस ने ऐसा कहा है कि 400 लोगों का धर्मांतरण नहीं हुआ है, सरकार को तुरंत पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजना चाहिए और कहना चाहिए कि गाजियाबाद पुलिस मुंबरा के हिंदू मुस्लिम लोगों से तुरंत माफ़ी मांग ले। या तो हिंदुत्व वाली सरकार है और इसमें सिर्फ जितेंद्र अवहाड और मुमरा शहर को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही कहा है कि गाजियाबाद का वह पुलिस अधिकारी बेशर्म है। महाराष्ट्र में दंगे फैलाने का प्लान तैयार किया गया है और इसको स्टेट्स स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अनेक जिलों में दंगल देखने को मिल रहा है। जितेंद्र अवहाड ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि सरकार के पास और बचा ही क्या है, हारने की कागार पर सरकार है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काकर एक ही रास्ता है चुनाव जीतने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलवा मुमरा की विधायक जितेंद्र भाट ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। सर, गाजियाबाद पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार करके गाजियाबाद लेके गई है। गाजियाबाद शाहनवाज को लेके जाए, नतुल नवाज को लेके जाए। सवाल यह है कि 400 लोग धर्मांतरित नहीं हुए, ऐसा आप थाना पुलिस कह रही है। हालांकि उन्होंने पहले ही कह जाना चाहिए था, वो अभी कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त कहना चाहिए, तुमने गलती की तुम्हारे अधिकारी ने और मुमरा के लोगों की, मुमरा के हिंदू मुसलमान दोनों की उत्तर प्रदेश सरकार ने माफी मांगनी चाहिए। सर, इसमें क्या आपको बदनाम करने या मुमरा को बदनाम करने की? नहीं, तो इसमें तो हिंदू बदनाम होता है, ये हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदू बदनाम होता है, पर इसमें कहीं ना कहीं मुमरा और जितेंद्र आवाड इन दोनों को बदनाम करने की साजिश थी। सर, जिस अधिकारी ने ये कहा था कि 400 लोगों का धर्मांतरण, अब तक उसने अब तक कोई खुलासा नहीं किया इसके बारे में। वो बेशरम आदमी है, वो बिल्कुल बेशरम आदमी है, उसको समझता नहीं कि समाज में क्या अशांति होती है उसकी वजह से। दंगा फैलाने की पूरी साजिश रची गई थी, महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की पूरी साजिश रची जा रही है और वो प्लान मुताबिक सब हो रहा है और इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये दंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से वारकरियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार का जो गुस्सा है, जो कहीं ना कहीं वारकरियों के ऊपर फूटा है, वहां पर जिस तरीके से ऐसा है कि सरकार का कोई काबू में रखने का कोई प्रयास ही नहीं है। 1000 साल पुरानी प्रथा है महाराष्ट्र में वारकरियों की, जो शांति से जाते हैं शांति से आते हैं, उस वारकरियों में आप घुस के उनको मार रहे हैं। ये वारकरियों के ऊपर हल्ला नहीं है, ये स्वयं विट्ठल के ऊपर हल्ला है कि वो विट्ठल के भक्त हैं। वो कभी गैर व्यवहार कह ही नहीं सकते। विठुनामाचा जप करके जाने वाला है, वो बहुत सीधा सरल आदमी होता है। ये विट्ठल के जो आदर्श है, ये पांडुरंग के जो आदेश आदर्श है, उनके ऊपर हल्ला है। सोशल मीडिया द्वारा जो वीडियो वायरल किए गए थे, सत्ताधारी पार्टी ऐसा कह रहे हैं कि वो गलत वीडियो जो वायरल किया जा रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं? नहीं, 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 किसी को नहीं मारा, खाली सबको आईडेक्स दे दिया था हाथ में और बोला था कि नहीं मारा। सर, महाराष्ट्र में अनेक जिलों में जो दंगे हो रहे हैं, दो समाजों में खेल निर्माण किया जा रहा है, नहीं तो जीतेंगे कैसे? हारने के कगार पे खड़े हैं, जीतने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो जीतने के लिए एक ही है, धर्म। धर्म से अंगार लगाओ और जीत जाओ। सवाल, कब तक जंग जारी रहेगी आपकी, जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस अगर
माफीनामा अगर नहीं लिखती जब तक कि 400 का धर्मांतर परिवर्तन हुआ है, आपके आगे की भूमिका नहीं, ऐसा है कि बेशरम अगर उनको जरा शर्म होगी, उनको अगर जरा सी शर्म होगी तो वो माफी मांग लेंगे। तुम्हारा एक अधिकारी हिंदू समाज को भी बदनाम करता है और एक अधिक यानी पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करता है, महाराष्ट्र सरकार ने भी उनसे माफी मांगने की माफी मांगो करके कहना चाहिए।